गणेश पंडाल बहुत प्यारा सा। चलो 1,10,000 की मूर्ति जा रही है मयूर से बनाई सभी तरफ मेला लगा है। शिव मानस गणेश उत्सव समिति सेक्टर 10 अब बहुत प्यारा सा। हेलो दोस्तों, केक वाला ब्लॉग में सबका स्वागत है। दोस्तों आज वीडियो में आप लोगों को सेक्टर 10 का गणेश पंडाल दिखाऊंगा और वहां का डेकोरेशन किस तरह किया गया है। तो दोस्तों आप लोग पूरे वीडियो में बने रहो और आप देख सकते हो ये है रोड पे मेन रोड और देखो पूरा लाइन से पूरा क्या लाइट का डेकोरेशन किया गया है। तो यहाँ से हम लोग एंट्री लेंगे तो चलते हैं अंदर और देखते हैं यहाँ कैसा डेकोरेशन किया गया है किस तरह से। तो अंदर जाएंगे तो समझ आएगा और ये मस्त दिख रहा है भाई दूर से। चलते हैं सेक्टर 10 का वीडियो आप लोगों को दिखाता हूँ मैं इस किस तरह से पंडाल का डेकोरेशन किया। यहाँ भी पूरा मेला लगा ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा भीड़। तो अंदर चलते हैं तो ये देख सकते हो गणेश पंडाल बहुत प्यारा सा। वाओ ये कौन सा गणेश पंडाल है भाई बेहतरीन। ये पूरा परिया वाला है क्या स्वर्ग वाला। ये महिला प्रवेश द्वार है इधर ये महिला प्रवेश द्वार। लेकिन ये पंडाल ना देखो कैमरा में कैसे दिख रहा है पूरा ब्लू ब्लू के कारण है। चलाओ इधर ये पूरा स्वर्ग है बोल रहा भाई। चलते हैं और देखते हैं प्यारा सा स्वर्ग गणेश पंडाल। चलो अपना अंदर जाके देखते हैं भाई क्या स्वर्ग है बोलते पूरा परिया बहुत मस्त। तो चलते हैं अंदर और ये अपना प्रवेश द्वार है। चलो अभी खाली है मस्त ज़्यादा भीड़ नहीं है और हम लोग जाएंगे अंदर। चलो 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 यहाँ से एंट्री ले लेते हैं। पुरुष का लाइन अलग है महिलाओं का लाइन अलग है और ये एंट्री ले रहे भाई क्या मस्त एक तरफा खाली है। मयंक सामने सामने जा रहे हैं और थोड़ा भीड़ हो गया धीरे धीरे। अरे ऐसा क्या ये है भाई देख सकते हो आसमान। चलो 1,10,000 की मूर्तियां बोल रहे हैं मयंक। दोस्तों ये है पंडाल ब्लू कर दिया ना इसे समझ नहीं आ रहा अच्छे से सब दिख रहा है भाई समझ में आ रहा भीड़ भी बढ़ गया। खोलो भाई गेट खोलो यार यहाँ पे आप देख रहे पीले कलर की काले कलर की दोस्तों फाइनली हमारा गेट खुल गया और जा रहे हैं अंदर और ये है देख सकते हो अंदर जा रहे हैं। जय हो समिति के द्वारा दान से उंगली दी जा रही है मयूर से आप इस दान की उंगली को ले जाइए और जो भी दान आप वर्ष भर में एकत्रित कर सकते हैं इसमें कीजिए और अगले वर्ष होने वाले गणेश उत्सव के समय इस दान की उंगली को लाकर श्री गणेश भगवान को समर्पित कीजिए। आपके सहयोग राशि से ही प्रतिवर्ष श्री गणेश भगवान को महाभोग लगाया जाता है। अतः कार्यालय में आकर दान की उंगली को निःशुल्क प्राप्त करें और श्री गणेश भगवान को लगने वाले महाभोग में अपना अंशदान समर्पित करें। जो श्रद्धालु पिछले वर्ष दान की उंगली लेकर गए थे उन सभी श्रद्धालुओं का समिति हृदय से धन्यवाद देती है और गणेश भगवान से प्रार्थना करती है कि उनका घर सदैव धनदान से भरा रहे। गणेश भगवान आप सभी श्रद्धालुओं की मनोकामना पूर्ण करे यही सभी की गणेश भगवान से प्रार्थना है। धन्यवाद।
पूरा फोम से बना हुआ है भाई, ये बाहर यहाँ से नॉर्मल फोम से बना है और पूरा ब्लू और ये बाहर स्वर्ग से आगे बाहर हम लोग और इधर भी पूरा मेला लगा है भाई, देख सकते हो सभी तरफ मेला लगा है और मेला तो बहुत घूम लिया है। चलो चलते हैं, मेला तो बहुत घूमे हैं, एक आधा का हेलीकॉप्टर भी देखे हम लोग। से बाहर है और गणेश भगवान का दर्शन जो हम लोग मेले में बहुत घूमे और ज़्यादा ही आप बस नहीं कर सकते, के साथ जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। दोस्तों इधर भी देख सकते हो बहुत सारा मेला लगा है, सब सामान खरीद सकते जो भी है, और हम लोग तो नहीं घूमेंगे क्योंकि आज बहुत इधर उधर घूम रहे हैं, तो आप सीधा जा रहे हैं बाहर, आप जाएंगे दूसरे जगह, तो आप लोग को नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा क्योंकि अभी हम लोग इधर अंदर नहीं जा रहे बहुत सारा है। हाँ तो अभी इसी ब्लॉग में आप लोगों को एक और वीडियो दिखाऊंगा, गणेश भगवान का पंडाल वहाँ जो बना है तो सिंपल सा और बना है सामने में, जैसे एक टेंट का गणेश भगवान है, तो क्योंकि दोनों एक ही जगह है तो चलते हैं आगे। दोस्तों आप देख सकते हो ये शिव मानस गणेश उत्सव समिति सेक्टर 10 आपका हार्दिक स्वागत करता है, तो चलते हैं वहाँ। और मैं भी बताया था ना कि एक और पंडाल, क्योंकि एक पंडाल उधर रखा था और ये दूसरा है, तो ये हर साल ऐसी दोनों जगह रखता है और यहाँ का भी अच्छा रहता है, तो चलते हैं अंदर। और हम लोग जा रहे हैं, अभी देख सकते हैं तो बहुत ज़्यादा होगा, 10:30 होने वाला है, और देख सकते हो यहाँ भी आसमान झूला लगा भाई, आसमानी झूला तो बहुत चलता है, ब्रेक डांस भी देख सकते हो सभी जगह, और ये दुकानें तो बहुत सारा है, तो चलते हैं इधर और देखते हैं गणेश भगवान का। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वाले, तब तक के लिए बाय।